ब्लूमिंग विद पुष्पा से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं पुष्पा, मैं आज अपने ब्लॉग में दिखा रही हूँ छठ पूजा का शुरुआत का दिन लौका भात से। हाँ, 4 दिनों का छठ होता है ये, तो आज लौका भात है तो वो मैं शुरुआत कर रही हूँ आज से। तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ मैं लौका वगैरह काट रही थी, उसके बाद मैं ऊपर छत पे आई थी गेहूँ सुखाने के लिए। हम लोग गेहूँ को धोकर अच्छे से साफ़ सुथरा से एकदम कपड़े पर पसारते हैं, साफ कपड़े पर, एकदम पहना हुआ कपड़ा नहीं होता है। तो मेरे पास ये नया चादर था, उसी पर मैंने पसारा था गेहूँ को। और उसके बाद मैं रात को बना रही थी ये लौका भात के लिए, तो मैंने बेसन घोल के रखा है पकौड़े के लिए। चावल बनाऊंगी और पकौड़े बनाऊंगी और लौके का लौका चना दाल 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 डाल के बनता है, तो वो चना दाल के साथ मैंने सब्जी बनाई लौके की। और ये हम लोगों का ये लौका भात के दिन खाया जाता है हम लोगों में, तो ये मैं बना रही थी यहाँ पे। तो ये रात को दिन भर खाते हैं नहाने के बाद हम लोग, ये नहाए खाए भी बोला जाता है, तो नहाने के बाद भी सबसे पहले हम लोग खा लेते हैं ये लौका भात ही, और रात तक यही चलता है। तो यहाँ मैं पकौड़े बना रही थी, मैं यहाँ पे पकौड़े तल रही हूँ। मैं एक बार में ही कर लेती तो सब के लिए हो जाता है, एक बार में बना रही थी मैं खाने के साथ ही। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ, मैंने गाय के लिए निकाला है यहाँ पे थोड़ा सा बाटी में। ये गाय के लिए निकालने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगी मैं खाने के लिए लौका भात। और ये मेरी थाली है। और यहाँ छत में हम लोग इस बार छत में ही मना रहे हैं छठ पूजा, तो छत में ही हम लोग अपना घाट बनाएंगे। तो ये बच्चे सब कर रहे हैं घाट बनाने की तैयारी, और उन लोगों को देखिए कितना एक्साइटमेंट से बना रहे हैं। ये बालू को पूरा तरीके से लगाकर, और देखिएगा आप लोग कि ये घाट कितना अच्छा बना था, इतना सुंदर बना था कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि बच्चों लोगों ने इतना मेहनत किया है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए ये मेरे दोनों बच्चे हैं और ये मेरा भाई का बेटी है, वो भी इसमें हेल्प कर रही है, बहुत खुश है। और ये लौका भात के बाद वाला दिन खरना का दिन का है। यहाँ पे मैं खरना की तैयारी कर रही हूँ, मैं मिट्टी के चूल्हे पे बनाती हूँ। यहाँ पे मैं खीर बना रही थी, तो गुड़ डाल रही हूँ दूध में, चावल मैंने डाल दिया है, और मैं चीनी डाल रही हूँ अब इसमें थोड़ा सा। हम लोग गुड़ डाल देते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर गुड़ से ही बनता है, मतलब हर कोई गुड़ डाल के ही बनाता, लेकिन अब नियम के लिए थोड़ा सा मैंने गुड़ डाल दिया और चीनी भी डाल दिया है। और यहाँ मैं ये खरना में हम लोग रोटी बनाते हैं और खीर बनाते हैं, और फिर केला होता है, मूली होता है, ये सब हम लोग खाते हैं एक टाइम। सारा दिन व्रत में रहते हैं और रात को एक बार बनता है और उसी को हम लोग खाते हैं। खरना का पारण कहा जाता है ये, खरना खरना करना कहा जाता है इसको। तो ये दूसरे दिन की विधि होती है, और हम लोग इसको इस तरह से बनाते हैं नहा धो के, और इसको बनाना पड़ता है। तो नहा धो के मैं यहाँ पे बना रही थी, ये मैंने सारी तैयारी कर ली थी, ये चूल्हे की लकड़ी की सब पहले से ही तैयारी कर ली थी। सब तैयारी करना पड़ता है, ये सब पहले ही तैयार रखना पड़ता है, क्योंकि फिर इसी दिन रात को उठ के फिर हमें ठेकुआ भी बनाना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग ये सारी तैयारियाँ जो भी है, आटा गेहूँ पिसवाना सब कर लेते हैं। मैं गेहूँ पिसवा कर मैंने उसे पिसवा सुखा के पिसवा लिया था, फिर उसके बाद उसी से हम लोग रोटी बनाते हैं, उसी गेहूँ के आटे से फिर हम लोग रोटी भी बनाते हैं खरना की। उसके बाद उसका ही सूप में ठेकुआ भी बनता है। तो इसलिए खरना के पहले ही पहले हमें वो गेहूँ पिसवा लेना पड़ता है, ताकि खरना के दिन हम रोटी बना सकें।
यहाँ मेरी आग जला रही हूँ, शायद आग कम हो गया था तो उसको बार बार जलाना पड़ रहा था, क्योंकि मेरी उतनी आदत नहीं है, फिर भी कर लेती हूँ मैं। थोड़ा कम हो गया था तो उसको जला रही थी, कम लकड़ी को। और यहाँ मैं आटा सान रही हूँ। और यहाँ बनाने के बाद, खीर और रोटी वोटी बनाने के बाद, मैं खरना का पालन कर रही हूँ। तो मैंने नए नए साड़ी पहन लिए हैं, जो भी नया रहता है वही पहनना पड़ता है। तो नया चूड़ी, साड़ी, आलता सब मैंने पहन लिया है। और मैं यहाँ बैठी हूँ तो केले के पत्ते पर खाऊंगी, खरना करूँगी, तो उसी को मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये मैं यहाँ पे अगरबत्ती जला रही थी, दिया जला रही थी, और यहाँ पे मैं पूजा उजा करके खरना कर रही हूँ। पूजा करने के बाद हम यहाँ पे खरना शुरू कर दिए हैं। और ये रात का क्लिप है, तो ये रात में फिर हम जगे थे और नहा धो के फिर यहाँ पे ठेकुआ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रात को 12 बजे के बाद, उसके बाद फिर नहा धो के फिर करना पड़ता है। तो नहा धो के आई थी मैं, और यहाँ फिर से मैंने तैयारियाँ शुरू कर दी है। ठेकुआ बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, कचौनी बनाएंगे, चावल के बनते हैं तो वो सब बनाएंगे सूप के लिए। तो यहाँ पे मैं वही सब तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे ठेकुआ की तैयारी कर रही थी, और यहाँ चूल्हा जला रही हूँ मैं, तो वो देख रही थी मैं। और बहुत अच्छे से जल गया था चूल्हा मेरा, तो अच्छे से हो गया था, ऐसा कोई मुश्किल नहीं हुआ था मुझे, सब कुछ अच्छे से हुआ था। और यहाँ मैं लकड़ियाँ निकाल रही थी, उसमें से घी निकाल रही थी। ये घी है तो घी निकाल के मैं घी डालूँगी ठेकुआ में, ठेकुआ के आटे में। जो आटा पिसवाया था हमने, वही आटा हम लेते हैं, उसमें सारे मावे डालते हैं, जैसे किशमिश हो गया, काजू हो गया, और गड़ी हो गया, नारियल का जो सूखा हुआ होता है वो सब डालते हैं हम। और ये जो मैंने ये गुड़ को मैंने थोड़ा सा पानी में डाल के और इसको पिघला लिया है, वही डालूंगी, क्योंकि गुड़ थोड़ा बड़ा बड़ा था तो उसको मैंने काट के उसको थोड़ा सा गर्म पानी में पिघला लिया था। और चीनी को भी मैंने एक बर्तन में पिघला लिया है पानी में, और उसको डालूंगी मैं इस आटे में, तो अच्छे से मेरा मिलाना हो जाए। अलग से पानी मैं नहीं मिलाऊंगी, इसी इसी से मेरा ठेकुआ हो जाएगा, मेरा मिलाना हो जाएगा। तो इसमें मैंने घी वगैरह डाल के आटे में फिर इसको अच्छे से मिला लिया है। मैंने इसमें आटा लिया है और सूखा मेवा सब लिया है, नारियल, काजू, किशमिश, ये सब डाला है। और घी डाल के इसको पहले मैं मिला रही हूँ यहाँ पे। मिलाने के बाद इसमें मैं चीनी का पानी और वो गुड़ का पानी मैं डालूंगी इसमें। तो यहाँ पे मैं गुड़ का पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ये नियम होता है, गुड़ से ही बनता है ये। तो मैं दोनों ही मिला लेती हूँ, गुड़ भी डाल देती हूँ और चीनी का भी डाल देती हूँ, चीनी का पानी भी, तो दोनों मिठास भी अच्छा हो जाता है और अच्छा बनता भी है ठेकुआ। और यहाँ पे ठेकुआ बनाने का काठ का मिलता है, तो उसी पर मैं बना रही थी ठेकुआ। वो ज़रूरी था, और लंबे लंबे बनते हैं सूप में डालने वाले ठेकुआ, तो
तो वो मैं उस तरीके से बना रही थी। सूप में डालने के लिए लंबे ठेकवा ही बनते हैं, गोल नहीं बनते हैं, वो लंबे होते हैं, तो वो मैं बना रही थी यहाँ पे, और मैं उससे डिज़ाइन बना ले रही हूँ और ठेकवा निकाल रही हूँ। तो मैं फिर कल मिलूँगी आप लोगों से, सारी तैयारी करते हुए दिखाऊँगी आप लोगों को। आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए मेरे ब्लॉग को। बाय।